यूपी चुनाव से पहले तीनों नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी सियासत शुरू हो गई है। यूपी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राज बब्बर ने तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर तंज कसा है। राज बब्बर ने ट्विटर पर लिखा कि ये भी कमाल का संयोग है, फिलहाल चुनाव आयोग में तीनों चुनाव आयुक्त यूपी वाले हैं। राज बब्बर का ये ट्वीट कम शब्दों में पूरी बात कह रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले यूपी में काम कर चुके तीन पूर्व नौकरशाहों की चुनाव आयोग में नियुक्ति पर उन्होंने ये तंज कसा है। चलिए आपको बताते हैं तीनों चुनाव आयुक्त के नाम क्या हैं और यूपी में उनकी क्या भूमिका रही है। 12 अप्रैल को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के रिटायरमेंट के बाद सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। 2019 से अभी तक वो चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त थे। इससे पहले वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष थे। सुशील चंद्रा कार्यकाल 14 मई 2022 तक रहेगा। साल 1980 में भारतीय राजस्व सेवा आयकर कैडर में शामिल होने से पहले वो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में थे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने LLB की पढ़ाई देहरादून से की और BTech की डिग्री रुड़की से हासिल की है। अफसर के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में भी काम किया है। दूसरे चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव भी रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 1 सितंबर 2020 को उन्हें चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। उनके पास करीब 3 दशकों का प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। फरवरी 1993 से जून 1996 तक रांची के उपायुक्त रहे। कार्मिक विभाग में विशेष सचिव प्राथमिक शिक्षा निदेशक और उद्योग निदेशक समेत झारखंड भवन नई दिल्ली में अतिरिक्त स्थानीय आयुक्त और स्थानीय आयुक्त पद पर रहे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान साल 2012 से उन्होंने वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और विशेष सचिव की जिम्मेदारी निभाई। तीसरे चुनाव आयुक्त यूपी के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे 1984 बैच के IAS अफसर हैं। अनूप पांडे यूपी कैडर के सेवानिवृत्त IAS अफसर हैं। 9 जून को नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन कार्यालय में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। साल 2018 29 अगस्त 2019 को यूपी के मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए थे। अनूप पांडे कई मंडलों के कमिश्नर और कई जिलों के DM भी रहे हैं। उनके पास 37 साल की भारतीय प्रशासनिक सेवा का अनुभव है। चूंकि यूपी में चुनाव नजदीक है, इसलिए तमाम राजनीतिक विपक्षी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर इशारों ही इशारों में सवाल उठा रहे हैं।